पाकिस्तान का ये पत्रकार अपना मोबाइल देख रहा है। ऐसा लगता है कि किसी ने पाकिस्तानी पत्रकार को कुछ भेजा है। ये पत्रकार मोबाइल देखकर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसे डांट दिया। अमेरिका ने इसे क्यों डांटा वो आपको दिखाएंगे भी और सुनवाएंगे भी। दरअसल आजकल पाकिस्तान और बांग्लादेश के पत्रकारों ने अमेरिकी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को एक कॉमेडी शो बना दिया है। अचानक से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पत्रकार अमेरिकी सरकार के प्रवक्ताओं से सिर्फ भारत विरोधी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी अब इनके सवालों से पक चुका है। इस बार बिजली इस पाकिस्तानी पत्रकार पर गिरी। दरअसल किसी ने इस पाकिस्तानी पत्रकार को मैसेज भेजा और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता से एक भारत विरोधी सवाल पूछने को कहा। इस पाकिस्तानी पत्रकार ने मोबाइल देखकर सवाल पढ़ना शुरू किया। इसके चेहरे को देखने से ही पता चल रहा है कि इसे ना तो सवाल समझ आ रहा है और ना ही मुद्दे की समझ है, लेकिन फिर भी ये जवाब अमेरिका से मांग रहा है। टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाते हुए इस पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि भारत ने अवनी डायस नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार का वीजा रिन्यू नहीं किया ताकि ये भारत में हो रहे लोकसभा चुनावों को कवर ना कर पाए। इस पर आप क्या कहेंगे? इस सवाल पर अमेरिकी प्रवक्ता भी सोच रहे होंगे कि पत्रकार पाकिस्तानी है, सवाल भारत का, मुद्दा ऑस्ट्रेलिया का और जवाब अमेरिका से मांग रहा है। ऐसे में अमेरिकी प्रवक्ता वेदांत पटेल ने संयम बरतते हुए इस पाकिस्तानी पत्रकार को डांट दिया। अमेरिका ने कहा कि ये भारत तय करेगा उसे क्या करना है, मैं यहाँ इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। हम सवालों का जवाब देने आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी चीज का जवाब दे दें। चलिए अब आपको पाकिस्तानी पत्रकार का सवाल और अमेरिका का जवाब सुनवाते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार अवनी डायस की यहाँ बात हो रही है वो भारत विरोधी पत्रकारिता के लिए जानी जाती है। Australian journalist says she is being pushed out of India. Avani Dias said that she had been denied a visa renewal for weeks because of reporting on Sikh separatists. The government of India can speak to its own visa policy. That's not something I'm going to opine on from here. We come up here and take questions regularly, but I will let the officials in India speak to this.